मुंबई कांग्रेस माजी सचिव डॉक्टर किशोर धनराज सिंह के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुंबई स्थित बोरीवली पूर्व दौलत नगर व्हाइट पिकॉक हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रही आमदार और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की उपस्थिति में जरूरतमंद एवं वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त छतरी वितरित की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में वर्षा गायकवाड़ का कहना था, किशोर सिंह कई सालों से ज़रूरतमंदों के लिए इस तरह के कई अच्छे कार्य और कार्यक्रम लेते आ रहे हैं, उनका धन्यवाद किया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया, कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था वर्षा गायकवाड़, चरण सिंह सापरा, डॉक्टर किशोर सिंह का। धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर सिंह जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ में माननीय कालू बुधलिया जी को, जिन्होंने सिंह जी को, क्योंकि इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में पूरी तरह से मेहनत की। जितने भी पदाधिकारी हैं इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जो कपड़ा जी आए उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन डॉक्टर किशोर सिंह जी हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो छतरी वाटप का हो, भूख वाटप का हो, या कैलेंडर वाटप का हो, उनके माध्यम से अलग अलग सामाजिक काम होते हैं। और मैं समझती हूँ कांग्रेस के हमने जो मोहब्बत की दुकान ये संकल्प बड़ा रखी है, जिसके माध्यम से लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे, लोगों की समस्याओं में खड़ा बने रहे और मुंबई की आवाज़ बन के हम सबसे चर्चा करके मुंबई की समस्या सुने, और जब तक उनको न्याय नहीं मिले तब तक खड़ा रहने का काम आने वाले दिनों में करने वाले, तो मुंबई करके आवाज़ बन के हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कार्यक्रम का जितने भी यहाँ तक किसी बार मोहब्बत की दुकान के कार्यक्रम के माध्यम से आई हूँ। पहली बार आई थी तो आपको मालूम है मैंने वहाँ पे ओपन किया था, जो हमारी गाड़ी सब पूरा हमें घूम रही है। दूसरी बार तुलसी के वाटर में आई थी, पीछे बार मैं छतरी के वाटर में आई थी, और इस बार भी छतरी के वाटर में आई हूँ। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, सभी कार्यकर्ता मेहनत करें उनका। सपना जी से अभी मैं बात कर रहा था, जब से आप मुंबई अध्यक्ष बनी तब से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा दिख रही है, कांग्रेस में एक नई ताकत मिल रही है। भाई साहब मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं महिला पहली अध्यक्ष बनी हूँ, और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आदरणीय नेता हमारे खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और केसी वेणुगोपाल जी, इन्होंने जो है मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। आज आप देख रहे हैं कई पार्टियाँ तो मिनिस्टर बनाने भी दस बार सोच रही है। अभी तो मुझे लगता है एनसीपी से एक महिला मंत्री हुई है, वरना हम बार बार लगातार वो पता होता रहे थे कि मंत्रिमंडल में एक साल होकर एक महिला मंत्री हुई है। ऐसे समय में कांग्रेस के नेताओं ने संगठन का प्रमुख, जब तीनों इलेक्शन साल के हो, और लगभग मुझे लगता है आने वाले डेढ़ साल में बहुत सी घटनाएं होने के बावजूद भी एक महिला करके मुझे एक मौका दिया, एक संघर्ष में बताया, मैंने उस पर विश्वास जताया। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़े हमारे नेताओं का उस पर विश्वास है, मैं आने वाले दिनों में और मेहनत करूंगी। और आप जैसे लोग हमारी आवाज़ बनते लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, और यही मुद्दे आप लोग में कह रही थी, महंगाई, युवाओं को रोजगार और मुंबई करके कुछ नहीं लोगों के सामने। जिस तरह से वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, बार बार यह कहा जा रहा है कि अब जो है कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस में फूट होने वाले, कांग्रेस के लोग जाएंगे। देखिए ये तो सब बोलने वाले अफवाह का बाजार फैलाते हैं। आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में मुझे समझ में नहीं आई कि उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी, उनके विचार क्या है एग्जैक्टली, कई दिख नहीं रहे। राजनीति का मतलब विचारधारा होता है, राजनीति का मतलब जनसेवा होता है, लोगों के साथ खड़ा होना होता है। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सत्ता ग्रहण करने के लिए कुछ भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, और सत्ता के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं ये जनता भी देख रही है। जनता बहुत शून्य होती है, जनता सब समझती है, जनता को जब चुटके देती है तो वो सोच समझ के चुटके देती है। और जिस तरह से राजनीति चल रही है, कल तक चुटे बोल रहे थे कि हमें ये पसंद नहीं है इसलिए हम ये मैदान छोड़ के चले गए, आज वही लोग उनके साथ बैठे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी चाहती क्या है, और जिस तरह से बीजेपी की राजनीति है सिर्फ सत्ता ग्रहण की राजनीति है, और जिस तरह से वो बोल रहे कांग्रेस के मामले में, मैं पूरा आश्वस्त करना चाहूँगी कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा, और कांग्रेस के सभी विधायक, सभी नेता सब साथ में मिलकर काम करेंगे। चूंकि आप सभी को पता ही है कि इस वक्त भारत देश की स्थिति क्या है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, हमारी जो सरकार है इनको महंगाई से और गरीबों से कोई वास्ता ही नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें कहीं कहीं हम लोग सोचते हैं कि गरीब जो गरीब गुरबा जो समाज है, जो ज़रूरतमंद समाज है, इसकी किसी न किसी रूप में हम मदद कर सकें। उसी के तहत ये हमने विशेष रूप से सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने ये छतरी वाटप का कार्यक्रम रखा है। इसमें हर
तबके का नागरिक, महिला पुरुष सब हमारे बीच में है और इनका आशीर्वाद मिलता है, और जिनको इनका आशीर्वाद मिल जाए उसकी जीत और उसकी उसका आगे बढ़ना निश्चित है। वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है जिस तरह से महाराष्ट्र में, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना? महाराष्ट्र की राजनीति में तो इस वक्त ये स्थिति है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पाले में है। कभी पता चला शिंदे सरकार, कभी पता चला ये उद्धव सरकार, कभी मालूम पड़ा ये राष्ट्रवादी दो फाड़ में हो गई, राष्ट्रवादी के इसमें अजीत पवार राष्ट्रवादी, शरद पवार राष्ट्रवादी, पता नहीं। आम जनता की दृष्टि से मैं देखूं तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पार्टी में। ये स्थिति में हमें और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो संगठित है और अपने विचारों में चलती है। आज ये हमारी टीम है, हमारे जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, सुभजन पांडे जी हैं, प्रशांत परदेशी जी हैं, सुरेंद्र बेहरा जी हैं, अनिल देशमुख जी हैं, पीछे दिवेश मिश्रा, वैभव शाह, हमारी इतनी बड़ी टीम है कि जो लोग दिल से काम करते हैं, और इसके सबके पीछे श्रेय जा रहा है मुंबई कांग्रेस की जो नई अध्यक्ष आई हैं। मैं तो अपने जीवन में कह सकता हूं कि मुंबई कांग्रेस का एकनाथ गायकवाड़ साहब जैसा कोई अध्यक्ष बना ही नहीं, इतने इतने महान व्यक्ति थे पूछो मत। उनका परिवार से ये हमारी वर्षाताई गायकवाड़ आई हैं, ये फैमिली, ये परिवार, ये डाउन टू अर्थ फैमिली है, हर व्यक्ति से उतने ढंग से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जबकि आप सभी को पता होगा कि हमारी सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं थी, लेकिन इनका प्यार और इनका जोश का ही परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग 500 वरिष्ठ नागरिकों को छतरी वितरित करेंगे। अमित सिंह को और उनके सारे कार्यकर्ताओं को, उनकी संस्था को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो छतरी बांट रहे हैं इससे बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये छतरी है धर्मनिरपेक्षता की छतरी है, ये सर्वधर्म समभाव की छतरी है, ये वो छतरी है जो सबका समावेश इस छतरी तले करती है। ये वो छतरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजन की राजनीति करती है, ये वो छतरी नहीं है जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ा रही है। तो ये धर्मनिरपेक्षता की छतरी है, इसलिए